सलामी दी, उनका हम आभार प्रकट करते हैं। और मैं मानता हूं कि इस कठिन घड़ी के अंदर जो आज उनका एक दस्तर है, प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह हेल्थ सर्विसेज का हो, चाहे हमारे सफाई कर्मचारी हो, चाहे हमारे पुलिस के जवान हो, और खास तौर पर कई ऐसे इस महामारी में वॉरियर्स हैं जिनको हम पहचान नहीं सकते। मैं तो खास तौर पर आज धन्यवाद करूंगा तमाम हमारे डिपो होल्डर्स का, जिनने समय से जो डेडलाइंस थी उससे पहले लगभग 1,20,000 लोगों को जो राशन कार्ड खाकी रंग का, गुलाबी रंग का, पीला रंग का लेकर बैठे हैं, तमाम परिवारों को समय पर राशन देने का काम किया। धन्यवाद करूंगा प्रोक्योरमेंट एजेंसीज का, उनके साथ जुड़े रहे तमाम मजदूरों का, आरतीयों का, खास तौर पर जो अलग अलग विभागों के कर्मचारियों की प्रोक्योरमेंट में ड्यूटी लगाई गई। एक ऐसा टारगेट और एक ऐसा हमारे सामने आप कहिए कि ब्लॉकेड था, जिसको बड़ा स्मूथ ऑफिसर्स का, जिनने पिछले 40 दिन के अंदर 25 जो हमारे एसेंशियल आइटम्स हैं उनको बकायदा मॉनिटर करने का काम किया। एक एक एसेंशियल आइटम के प्राइस को स्टेबिलिटी पर रखने का काम किया। अगर आज उन लोगों को इतने एफिशिएंटली सहयोग ना होता तो शायद आमजन को इन चीजों की दिक्कतें झेलनी पड़ती। मैं जरूर शुरू करूंगा, कई लोग बारी बारी सवाल उठा रहे हैं कि प्रिपेयरमेंट ठीक नहीं, इतिहास में पहले 1,00,000 किसानों ने, 2,71,000 किसानों ने मंडियों के अंदर आकर अपने गैस पास गेट पास कटाने का काम किया है, और लगभग 41,23,000 मेट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई है। वहीं 41,23,000 वहीं सरसों की हम बात करें तो 1,46,000 किसानों ने मंडी के अंदर आने का काम किया, और लगभग 3,62,000 मेट्रिक टन हमारे 174 मंडी और सब सेंटर्स पर सरसों की खरीद हुई है। पहली बार है कि हरियाणा के अंदर चने दाल के 22 प्रोक्योरमेंट सेंटर बनाए गए हैं, जिसके अंदर लगभग 4,875 मेट्रिक टन चना आया है। और एक निर्णय और सरकार का है कि 1 जून से 30 जून तक सूरजमुखी के भी सेंटर हम बनाएंगे, जिसके अंदर सूरजमुखी की भी सरकारी खरीद 5,650 रुपया मेट्रिक टन के हिसाब से अब प्रिक्योर करेंगे, और चने का जो प्रिक्योरमेंट है वो लगभग 3,950 रुपया मेट्रिक टन के हिसाब से प्रिक्योर कर रहे हैं। 5,650 रुपया मेट्रिक टन सूरजमुखी और 4,775 रुपया आपके चना दाल की प्रोक्योरमेंट है। एक चीज जो बारी बारी विपक्ष में बैठे लोग उठाते हैं, मैं तो उसके लिए जरूर आपके सामने साझा एक बात करना चाहूंगा कि आज तक के इतिहास में हरियाणा प्रदेश में 4,25,000
मेट्रिक टन से ज्यादा की प्रोक्योरमेंट किसी भी एक दिन में पहली बार है। जो हमारा डे सिक्स था, हमारे डे सिक्स में हरियाणा प्रदेश के अंदर 4,98,000 मेट्रिक टन गेहूं की प्रोक्योरमेंट हुई, जो हरियाणा की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा है। और जो लोग बारी बारी ये कहते हैं कि प्रोक्योरमेंट प्रोसेस स्लो, मैं बताना चाहूंगा कि 18-19 के अंदर 11वें दिन तक 10 लाख मेट्रिक टन भी गेहूं की प्रोक्योरमेंट नहीं हुई। 19-20 के अंदर 11वें दिन तक 27 लाख मेट्रिक टन की प्रोक्योरमेंट हुई, 27,75,909 मेट्रिक टन 10 दिन के अंदर 2019-20 में, और 98,982,914 18-19 में। और ये पहली बार है कि 20-21 के अंदर 11वें दिन तक 34,22,170 मेट्रिक टन गेहूं की प्रोक्योरमेंट प्रदेश में हुई। और अभी मैं आपसे जो बात कर रहा हूं तो ये आंकड़ा 41,23,000 पार, 516.11 करोड़ रुपया किसान के खाते में ट्रांसफर हो चुका है। और जो इसके अंदर पेंडेंसी है वो लगभग 125 करोड़ रुपए के आसपास की है, जिसको कल और परसों के अंदर हम पूरी तौर पर ट्रांसफर कर देंगे। वहीं गेहूं की, क्योंकि पहली बार गेहूं के ट्रांसफर प्रोसेस को एक नए तरीके से सरकार ने किया कि हम आढ़ती को पैसा दें, आढ़ती फिर किसान से जो उसका लेन देन है उसको काटकर किसान के खाते में ट्रांसफर करेगा। कल सुबह तक हमारे पास जो आढ़तियों से क्लियरेंस होकर आई फॉर्म अपलोड हुए थे उसके अकॉर्डिंग 424 करोड़ रुपया आया था, जिसके अंदर कल शाम को 7 बजे तक लगभग 34 करोड़ रुपया किसान के खाते में ट्रांसफर हो चुका। और जो आज सुबह का डाटा है लगभग ये 424 करोड़ रुपया बढ़कर 600 करोड़ के ऊपर चला गया है, और लगभग 533 करोड़ रुपया, ये 600 करोड़ पार कर चुका है। जो आढ़तियों ने आई फॉर्म अपलोड करे जो उनके लेन देन के हिसाब के साथ ही, और लगभग 533 करोड़ रुपया हमारी ओर से आढ़तियों के खाते में डीएफएससी के माध्यम से अलग अलग जिलों के अंदर ट्रांसफर हो चुका है। एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि इस पूरी घड़ी, कठिन घड़ी के अंदर, जब सोशल डिस्टेंसिंग भी, लेबर की कमी भी एक चैलेंज था, मैं धन्यवाद करता हूं प्रत्येक किसान का जिसने सरकार की ई खरीद प्रणाली का सहयोग किया, स्टैगर्ड तरीके से उसने मंडियों में आने का काम किया। और जब जब उसका गेट पास कटा, जरूर नई प्रणाली के साथ नई दिक्कतें आती है, उसने उस चेंज के साथ हमारा सहयोग किया। आढ़तियों ने पूरे प्रदेश भर के अंदर हमारा सहयोग किया, और आज उसका नतीजा है कि जो हम टारगेट 15 मई तक का लेकर जब रहे थे, मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर हम 75 लाख मेट्रिक टन के आंकड़े को अगले 10 दिनों में पूरी तौर पर अचीव कर लेंगे, जिसके अंदर लगभग 95% से ज्यादा फार्मर्स की फसल को सरकार प्रिपेयर कर ले, बिल्कुल ट्रांसपोर्टिंग के अंदर और गोदामों तक फसल पहुंचाने में लेबर की शॉर्टेज एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आ रही है। मगर उनका सहयोग है जिसके अंदर, जैसे हमने 1 तारीख को प्रिक्योरमेंट को पुराने फार्मर के लिए डाइवर्ट किया, और उस दिन के अंदर हमने हमारी सारी लेबर का इस्तेमाल कर गोदामों तक फसल को पहुंचाया।
हमें अगले एक दो दिनों के अंदर एक दिन को दोबारा उसी प्रकार से डाइवर्ट करना पड़ेगा, जहां हम पुराने फार्मर्स को बुलाएं और साथ में अपनी मंडियों में जो लगभग 10 लाख मेट्रिक टन मैंने देखा कई अखबार पे टीवी पे बारी बारी दिखाया जाता है कि उठान बीमा बिल्कुल एक लेबर शॉर्टेज हमारे सामने टास्क है। हम एक दिन को डेडिकेट करेंगे जिसके अंदर केवल मात्र जो हमारी मंडियों में फसल पड़ी है उसको गोदाम तक ले जाने में यूटिलाइज करने का काम करेंगे। मैं पीडीएस सिस्टम के थोड़े आंकड़े आपके साथ साझे करूंगा। लगभग 2,50,000 हमारे पास AAY राशन कार्ड होल्डर थे और 9,87,000 हमारे पास पारिवारिक सदस्य और राशन कार्ड होल्डरों के हैं, जिनको हमारी सरकार ने एवरेजली 55 किलो गेहूं या आटा, 2 लीटर सरसों का तेल, 1 किलो चीनी, 1 किलो दाल और पहली बार इस कठिन घड़ी के अंदर 1 किलो नमक देने का काम किया। 8,75,000 BPL कार्ड होल्डर थे जिनमें लगभग 40 लाख 39,73,000 मेंबर्स थे, जिनको एवरेजली वही 55 किलो आटा या गेहूं, 2 लीटर मस्टर्ड ऑयल, 1 किलो गेहूं, 1 किलो चीनी, 1 किलो दाल और 1 किलो नमक हमने देने का काम किया। और एक कैटेगरी तो केंद्र ने भी सपोर्ट नहीं करी और हमने खाकी राशन कार्ड जो OPH हम बोलते हैं उसके अंदर लगभग 15,75,000 राशन कार्ड होल्डर जिनमें 70,90,000 उनके पारिवारिक सदस्यों को लगभग वही 55 किलो गेहूं या आटा और 1 किलो दाल हमारी सरकार ने देने का काम किया। और जो आज सुबह की रिपोर्ट कि अप्रैल महीने के अंदर लगभग 98.3% राशन कार्ड होल्डर्स ने अपने राशन की लिफ्टिंग करी है, 1.7% जो बकाया है या तो वो प्रदेश में नहीं है या उनने जाकर अपने प्रदेश को लेने का काम नहीं किया। जहां एसेंशियल आइटम्स की बात है मैं आपके साथ साझा करूं कि हमने 1,025 ड्रग होलसेलर्स और 10,242 रिटेल केमिस्ट की निरंतर जांच करी है, जिसके अंदर लगभग 695 अलग होलसेलर और शॉपकीपर से हमने चालान काटे और 21 लोगों पर कई समस्या मास्क की आई थी कि प्री प्लाई मास्क को भी 10 रुपए से ज्यादा बेचा जा रहा था, सैनिटाइजर की वैल्यू 1,000 रुपए तक पहुंचाई गई थी। इस तरीके से जो एसेंशियल आइटम के अगर इन्फ्लेटेड प्राइस को बेच रहा था ऐसे 21 लोगों पर हमने आपराधिक मामले दर्ज करने का काम किया है। एक मैं आपके साथ अप्रैल के महीने का डाटा आटे का करूंगा कि पब्लिक डोमेन के अंदर हमारी ओर से जो आटे की एवरेज रही है वो 23-24 रुपए के बीच से ज्यादा कहीं भी आटे का प्राइस इन्फ्लेट नहीं होने दिया। वही दूध की जहां बात करें तो 49 से लेकर 52 रुपए से ज्यादा कहीं वेरिएशन नहीं आई। वेरिएशन जो हमारे सामने आई वो केवल मात्र मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो गुड़गांव है, फरीदाबाद है, क्योंकि वहां सप्लाई के अंदर दिक्कत थी, वहां आने का काम किया, मगर निरंतर हम लोगों ने उसको मॉनिटर कर उसको रोकने का काम किया। 2 दिनों से बारी बारी हमारे कांग्रेस के साथी एक बात बोल रहे हैं कि तेल के दाम बढ़ा दिए, बस के रेट बढ़ा दिए। और मैं तो एक हमारे बड़े शिक्षित नेता है, शायद डिक्शनरी खोल के बैठते हो तो इसको भजिया कर भी बोल, मैं उनको बोलना चाहूंगा कि पहले अपना गरीबान जाके दूसरों पर आरोप बाद में लगाए। जहां ट्रांसपोर्ट की बात है, पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर मैं अगर स्टेट वाइज चलो, कांग्रेस शासित पंजाब के अंदर जो ट्रांसपोर्ट प्रति किलोमीटर का रेट है वो 1 रुपए 16 पैसे का है,
राजस्थान जो कांग्रेस शासित है उसमें 1.06 रुपया, उत्तर प्रदेश में 1.05 रुपया, पूरे नॉर्थ इंडिया में और उत्तराखंड और हिमाचल क्योंकि हिली एरिया है वहां तो शायद 1.20 रुपया और 1.17 रुपया है। हरियाणा इकलौता राज्य है जिसने 1 रुपए के अंदर अपने प्रति किलोमीटर ट्रांसपोर्ट को बांधने का काम किया। वहीं कांग्रेस के साथियों को बताना चाहूंगा कि आज जिस तरह की इकोनॉमिक हालात देश की भी है और प्रदेश की भी, इस पूरे मामले पर रेवेन्यू एक बड़ा चैलेंज सबके सामने है और निरंतर कांग्रेस के भी नेता प्रतिपक्ष ये कहते हैं कि लोन ले लो लोन ले। आज प्रदेश की अर्थव्यवस्था को खतरे में डालना हमारी जिम्मेवारी नहीं, और अगर सरकार लोन लेगी तो उसकी भी भरपाई कहीं ना कहीं टैक्सेशन के तौर पर बढ़ोतरी करकर सरकार को करनी पड़ेगी। मगर मैं कांग्रेस के साथियों को यह बोलना चाहूंगा कि अगर हमने वीएटी 1 रुपया और 1.10 रुपये पेट्रोल और डीजल पर बढ़ाया, उन्हीं की राजस्थान सरकार ने पिछले 1 महीने के अंदर 3 बार पेट्रोल और डीजल के रेट को रिवाइज किया, और राजस्थान के अंदर कोई 50 पैसे 60 पैसे पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़े। राजस्थान सरकार के आंकड़े बताते हैं कि राजस्थान के अंदर 3 बारी के अंदर पिछले लॉकडाउन के पीरियड में डीजल का दाम 2.71 पैसा बढ़ा और पेट्रोल का दाम 3.37 पैसे बढ़ा। अगर 1 रुपया जजिया कर है तो फिर 3.37 को आप क्या नाम देना चाहो। मैं चाहूंगा कि आज शाम को वो डिक्शनरी के अंदर से कोई अच्छा सा शब्द राजस्थान सरकार के लिए भी लाने का काम करे, और साथ में इन्फ्लेटेड प्राइस जो कांग्रेस शासित प्रदेश है उनके लिए भी लाने का काम करे। एक चीज जो बड़ी अहम है इकोनॉमी के लिए, इंडस्ट्री। हरियाणा सरकार ने निरंतर इंडस्ट्री को बढ़ोतरी देने का काम किया है। लॉकडाउन के अंदर भी हमारा प्रयास रहा कि 20 तारीख से जब रिलैक्सेशन आई एनडीजी की, हमारी अधिकतम इंडस्ट्रियल स्टेट्स को हमने ऑपरेशनल किया, पर एनडीजी से थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करकर कि हमारे यहां पर कोरोना का जो फैलाव है उसको जैसे हरियाणा ने अब तक रोकने का प्रयास किया हम रोक पाए, और हमने इनिशियल डेज के अंदर आईटी सेक्टर को 33% और इंडस्ट्रियल यूनिट को 50% पर ऑपरेट करने की परमिशन दी, और कोई इनिशिएटिव था जो अपनी इंडस्ट्री के अंदर इंप्लॉय रखता था उसको हमने 100% तक भी परमिशन दी। आज से हम इस पर निर्णय लेंगे कि 4 तारीख से, कल सुबह से लेकर और 10 तारीख तक 7 दिन, और 11 तारीख से 18 तारीख तक अगले 7 दिन के अंदर भी इंडस्ट्री को खोलने में हम परमिशन देंगे, रिलैक्सेशन देंगे, मगर एमएचए से थोड़ा सा स्ट्रिक्ट तरीके से, जिससे हमारी इंडस्ट्री भी रिवाइव हो। और जो कोरोना का एक खतरा, क्योंकि आपने खुद देखा कि पिछले 4 दिनों में जिस झज्जर में एक केस नहीं था, किस प्रकार से मूवमेंट की वजह से वो 40 के आंकड़े को पार कर, उस चीज को देखते हुए समझते हुए हम आईटी सेक्टर को जो रेड जोन है 33%, ऑरेंज जोन है 53% और ग्रीन जोन के अंदर 100% की परमिशन देंगे, और सेकेंड फेज के अंदर 50% 75% और 100% परमिशन देंगे। रूरल एरिया इंडस्ट्री को रेड जोन में 33%, अगर वही स्टाफ अंदर रहेगा तो 50%, उसी प्रकार से 75% और 100% की परमिशन देंगे। सेकेंड वीक के अंदर उसको 50 को 75 और 75 को 100 और 100 हम करने का काम करेंगे। ई कॉमर्स प्रोडक्ट को भी रेड एरिया के अंदर एसेंशियल गुड्स, ऑरेंज एरिया के अंदर 50% और ग्रीन एरिया के अंदर 75% की परमिशन देंगे, क्योंकि
आपने खुद देखा कि दिल्ली के अंदर किस प्रकार से डोमिनोज का डिलीवरी बॉय भी पॉजिटिव पाएगा। अगर कोई ही कॉमर्स वाला ट्रांसपोर्टर कैरियर बन जाता है तो इससे रिस्क फैक्टर बढ़ता है। वही हमारा जो सेकेंड वीक होगा उसमें ई कॉमर्स को एसेंशियल गुड्स को रेड जोन में और 75% और 100% नॉन एसेंशियल। जो हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज को छोड़ के अर्बन एरियाज में इंडस्ट्री है, बहुत सी ऐसी इंडस्ट्री है जो हमारी सीएलई लेकर डेवलप करेगी और निरंतर पानीपत हो, गुड़गांव हो, प्रत्येक जगह ऐसी एस्टेब्लिशमेंट्स बनेगी। एमएचए ने उनको रेड जोन में कवर करने का काम नहीं किया, हम उसी तरीके से फॉलो करेंगे। मगर प्रदेश के अंदर ऑरेंज और ग्रीन जोन में तो एमएचए ने उनको अप्रूव किया है, क्योंकि उनकी मॉनिटरिंग और परमिशंस का एक फेस्ड मैनर में अप्रूवल चलेगा। हमने उनको 50% 75% आईटी और नॉन आईटी, 100% ग्रीन जोन के अंदर और नेक्स्ट वीक के अंदर आईटी को 75% नॉन आईटी को 100% और ग्रीन जोन के अंदर पूरी तौर पर हम परमिट करेंगे। जहां एक्साइज लिकर वेंट्स की परमिशन की बात है, अगले एक महीने तक हमें लगता है एमएचए ने भी अभी परमिट नहीं किया, क्योंकि सोशल प्लेसेस रेस्टोरेंट्स में इस प्रकार की और व्यवस्थाएं हैं उनको पूरी तौर पर हम बंद रखें। जो हमारे अनुमत कक्ष है जिनको हफ्ते बोलते हैं उनको पूरी तौर पर बंद रखें। और मैं तो आपके माध्यम से ये चाहूंगा कि हमें रेड जोन में, ऑरेंज जोन में, ग्रीन जोन में किस प्रकार से इसको व्यवस्था को खोलना चाहिए, क्या हमें 4 तारीख से खोलना चाहिए, क्या इसको डिले करना चाहिए, इसके ऊपर जरूर आप लोग भी लोगों के सुझाव लेकर हमें देने का काम करें, जिससे कहीं भी भीड़ ना मचे। 2 गज की दूरी का सोशल डिस्टेंस हम मेंटेन करें और प्रॉपर तरीके से व्यवस्था को चला पाए। बिल्कुल सरकार इस विचार पर है कि हम, क्योंकि सोसाइटी के अंदर इसको सिम प्रोडक्ट माना जाता है, इसके ऊपर हम विचार करके नया कोविड सेस जरूर लगाने का काम करेंगे, जिससे प्रदेश के अंदर जो हमारे कोरोना इफेक्टेड एरियाज हैं या जो इंस्टीट्यूशन है जिनको आज कोरोना की वजह से सपोर्ट चाहिए टू रिवाइव कर, इसको हम अपलिफ्ट कर पाए। कितना एक चीज जरूर मैं बोलना चाहूंगा कि सरकार ने यह निर्णय जरूर लिया है और वो आंकड़े आपके पास आ गए कि 20,000 रुपए तक का हमारी तमाम एमएसएमई को हम सपोर्ट देंगे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से जिनके पास आज लोन है, कि वो अपने इंप्लॉयज की सैलरी टाइमली देता है और एमएसएमई हमारे प्रदेश में रिवाइव करता है, जिसकी टोटल कैलकुलेशंस तो हमारे पास अब तक आई नहीं है कि कितनी एमएसएमई है जो अप्लाई करेंगी। मजदूर हमारे पास रजिस्टर्ड एमएसएमई है जिनके गवर्नमेंट लोन्स हैं, इसका यह आंकड़ा बताता है कि अगर 20,000 रुपए तक का भी सपोर्ट एक इंप्लाई के लिए करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 240 और 250 करोड़ के बीच का सपोर्ट हमारे एमएसएमई सेक्टर को हरियाणा सरकार करेगी कि अपलिफ्ट हो, वो रिवाइव हो और जो कोरोना का सेटबैक आया इससे वो उभरकर बैक टू नॉर्मलसी आने का काम। ये जो 240 करोड़ है ये पर मंथ है या टोटल 6 महीने? हम लॉकडाउन से लेकर जो जो इंडस्ट्री इसके अंदर प्रभावित रही और वो 31 जुलाई तक अप्लाई करेगी फॉर सेल्फ बेनिफिट्स, उसको ये फाइनेंशियल सपोर्ट बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर हरियाणा सरकार देने का काम। देखिए सेस की बात की थी, कितना सेस लगा रहे हैं, इसके ऊपर चर्चा चल रही है। अच्छा अभी फाइनल नहीं है, क्योंकि हर प्रोडक्ट अलग है, हर की बॉटल क्वांटिटी अलग है, फिक्स सेस इसके ऊपर लगाना पॉसिबल नहीं होगा, हमें क्वांटिटी के हिसाब से प्रोडक्ट के हिसाब से अभी इस वेरिएबल सेस इसके अंदर लगाना पड़ेगा। अगर कोई पॉइंट है, कोई होटल है
तो दोनों के ऊपर वेरिएबल होगा, पर परसेंटाइल जो होगा मैंने ये कहें कि 500 दिया तो 2000 दिया उसका वेरिएबल हो बिल्कुल कोई 100 रुपए की चीज पे आप 10 रुपए लगा लो दो गए चीज पे 10 रुपए लगा अभी निर्णय जनता की भावनाओं को देखकर लिया जाएगा टीवी और अखबार को तो नहीं देख और जिस प्रकार से निर्णय सरकार को लेना है ये लगता है कि अगर अपने पड़ोसी राज्यों को देख चंडीगढ़ क्या करता है, दिल्ली क्या करता है, उत्तर प्रदेश क्या करता है, राजस्थान क्या करता है, उन तमाम राज्यों को देखकर ही हरियाणा प्रदेश में क्योंकि हमारा नया एक्साइज ईयर हमें एस्टैब्लिश करना पड़ेगा इसके ऊपर हम दुष्यंत जी इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। चंडीगढ़ में थोड़ा कल से खुलेंगे, पंजाब ने भी अनाउंस कर दिया और दिल्ली में भी मालूम है। अब आप ये बताएं कि ये कल से खुलेगी या भी शाम तक आप लोगों की राय लेंगे फिर हम अनाउंस करेंगे। हम प्रत्येक पड़ोसी राज्य को देख रहे हैं वैसी उनकी व्यवस्था जहां यूपी और दिल्ली की बात है वहां पर फिक्स्ड वेंडर्स है। उत्तर प्रदेश के अंदर रिन्यूएबल पॉलिसी है, हमारे यहां पर अलॉटमेंट पॉलिसी है, हमारे L1 L2 अभी स्टैब्लिश हुए हैं, तमाम चीजों को हम स्टडी कर रहे हैं साथ में। तो कल से नहीं घूमी डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट हमने मंगाई है कि क्या कोविड की परिस्थिति के अंदर उनके जिलों के अंदर इस व्यवस्था को खोला जाए ना खोला जाए, हम तमाम चीजों पर विचार करते ही इसको आगे बढ़ाए। वैसे भी आपका कल खोलने का मायने क्योंकि स्विच ऑन कुछ दिन तो मिलेंगे भी। अच्छा एक मेरा सवाल है, अगर आपका सब हो गया प्रेस कॉन्फ्रेंस और आमतौर पे होता भी है उनका कहते हैं कि डे वाइज या दिन में 3-4 दफा रजिस्टर मेंटेन करते हैं, इसकी जो ये ब्लैक हुई जो हुई या नहीं हुई जिस तरह भी सोचने हैं क्या इस मामले की जांच करना है। बिल्कुल, और मैं आपके संज्ञान में एक चीज और लाना चाहूंगा कि हमने 36 तारीख को और 26 की रात को प्रत्येक वेयरहाउस का स्टॉक लिया और कल सुबह 12 बजे तक तमाम जिलों के वेयर हाउसेस का हमने स्टॉक लिया है। अनियमितता पाई गई और उन अनियमितताओं के अंदर पीनल एक्शन जो भी बनता है चाहे एफआईआर हो चाहे पेनल्टी हो सरकार वो कार्रवाई करने का कार्य करेगी। आपके पास जहां नई एस्टैब्लिशमेंट्स की बात है उनके लिए आज हम शेड्यूल जारी कर देंगे जो बचे हुए बैंक्स हैं वेयर हाउसेस हैं उनके लेवल्स है उनको किस प्रकार से अप्रूवल दिया जाएगा और किस टाइमलाइन के साथ बचे जो हमारे ब्रांड्स है उनको एक्सेप्ट किया जाएगा। स्टेट में ऐसा आ गया कि पॉकेट्स नहीं, मतलब आपके पास रिपोर्ट आ गई होगी कि किसी खास जिलों में हुआ या पूरे राज्य में लगभग 53 वेयर हाउसेस थे जहां पे अनियमितता पाई गई जहां पर स्टोरेज होती प्रत्येक वेयर हाउस का हमारे पास डाटा है जहां अनियमितताएं हैं 31 के 27 सुबह के और कल के स्टॉक के अंदर प्रत्येक ओनर्स की सूची बनाई गई और जैसे ही उनके खिलाफ एक्शन होगा डिटेल्स हम आपको मिल जाएगा। और ये भी कह दिया गया कि इस तरीके से सेस वगैरह लगाएंगे वहां से रेवेन्यू जनरेट करेंगे। क्वेश्चन इस बात को मैं एक चीज जरूर आपको बताऊंगा कि बजट और आज में कोरोना आया है विपक्ष के लोग तो खुद लोन लेने की बात कर रहे उस व्यवस्था को देखते हुए समझते हुए आप केवल हरियाणा की आर्थिक हालात मत देखिए देश की आर्थिक हालात देखिए जहां हम 1.5 लाख करोड़ का GST महीने के अंदर रिसीव करते थे अप्रैल में वहां शायद इस बार 25,000 करोड़ भी रिसीव हुआ। इंडस्ट्री आपकी बंद है, देश भर में कंजम्पशन बंद है,
उस तमाम चीज को देखते हुए केवल मात्र हरियाणा में विपक्ष तो पंजाब में भी बैठी है, राजस्थान में भी बैठी है, पुडुचेरी में भी बैठी है। प्रत्येक राज्य सरकार को आज अपने आप को रिवाइव करने का मॉडल बनाना है और इसीलिए मुझे लगता है कि जरूरी था कि इस समय ये कदम उठाए। मुझे एक सवाल ये था कि इंडस्ट्री की बात हो गई तो उसमें दुकानें जो है चाहे वो मार्केट प्लेस में है या ऐसी उनको लेकर क्या उनको परमिशन लेनी पड़ेगी कि आपने अलग कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर्स को ऑथराइज कर दिया गया है कि वो अपने अपने शहरों का अर्बन एरिया इन ग्रामीण तो सारी दुकानें खुल गई, नॉन कंटेनमेंट जोन के अंदर और खास तौर पर ऑरेंज और ग्रीन जोन के अंदर प्लान तरीके से जैसे शॉप्स को खोला है। कई डिस्ट्रिक्ट के अंदर से रिपोर्ट आ रही है कि वो और इवन तरीके से व्यवस्था बनाएंगे, कई दिनों के अंदर कम्युनिटी वाइज ऑल्टरनेट वेज पर शॉप्स खोली जाएंगी। मुझे लगता है ये लिबर्टी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम लोग तो बेहतर तरीके से कोरोना से भी लड़ा जाएगा और इसकी प्रॉपर पास जरूरी है, पास लेना जरूरी है। जो ग्रीन एरिया है उसके अंदर कोई भी एस्टैब्लिशमेंट खोलने के लिए पास की आज व्यवस्था की जरूरत नहीं है। एमएचए के पहले मुंबई के अंदर भी जो चंडीगढ़ का मैंने ऑर्डर पड़ा है मेरे ख्याल से उसके अंदर भी पास की व्यवस्था को मीट आउट किया है। सिर्फ कंटेनमेंट जोन को कैसे सेफ गार्ड किया जाए अब इस टारगेट को लेकर आना। कैबिनेट में जो फैसले हुए किराया बढ़ाया है, लोगों पर कोई वजन नहीं मानते, बढ़ोतरी नहीं मानते इसकी आप से तुलना कर रहे हैं कोई लोगों के सब कोई भाग नहीं। मैं आपको एक चीज जरूर बताऊं, आज के दिन सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कोई है जो लॉस में चल रहा है तो हरियाणा रेलवेज है, उसको रिवाइव करने के लिए ये कदम उठाना जरूरी है और खास तौर पर जो पिछले 40 दिनों से पूरी जोन पर चक्का जाम बना है। वही जहां पेट्रोल की बात है 2017 के अंदर केंद्र के आग्रह पर 2.5 रुपया प्रत्येक प्रदेश ने वैट कम किया और अगर मैं अप्रैल अप्रैल की बात करूं तो हमारे पास लगभग 700 करोड़ रुपया वैट का आना था और वो इस बार 400 करोड़ से भी कम आया। अगर प्रदेश चलाना है तो जनता भी हर प्रकार से इसके अंदर सहयोग दे और मैंने देखा जब हमने कहा कि हम कोविड सेस एक्साइज पर लगाएंगे तो बहुत से लोगों ने कहा कि शॉप खोल दो सेस का दुगुना ले। आज व्यवस्था को नॉर्मलसी पे लाना जरूरी है और उसके अंदर ये फिक्स नहीं है कि आज लगा दिया अभी जिंदगी भर रहे। सरकार के पास ये अथॉरिटी है कि जब मर्जी और अगर 65 रुपए से ज्यादा डीजल की कीमत होती है तो ऑटोमेटिकली 1 रुपया इन्फेक्शियस हो जाता है। तो केवल मात्र उस व्यवस्था के अंदर है जब प्रदेश को सुचारू तौर से चलाने के लिए रेवेन्यू की जरूरत। दुष्यंत जी आप कह रहे थे कि विपक्ष जो है आरोप लगाता रहता है, अभी 2 दिन पहले गोहाना की नगर पालिका के अध्यक्ष का और सभी नगर मेंबर ने सरकार के ऊपर आरोप लगाए हैं कि सरकार किसी भी तरह का हमें सहयोग नहीं कर रही, हम मजदूरों को गरीबों को कहां से अपनी तरफ से राशि, इसको लेकर क्या कहें। प्रत्येक डिप्टी कमिश्नर के पास कोविड के पहले हफ्ते के अंदर 1-1 करोड़ रुपया डिजास्टर रिलीफ के लिए हमने देने का काम किया और जहां भी ड्राई राशन की बात हो मुझे लगता है सरकार से ज्यादा सामाजिक संगठनों ने इसमें सहयोग किया और उनका अब तक उनसे आभारी भी। आज के दिन भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो गुड़गांव के अंदर 30-40 हजार पैकेट खाने को सुबह और शाम को प्रोवाइड करने का काम है। ये तो सामाजिक संस्था, अगर हम ग्रामीण अंचल की बात करें क्योंकि सर मैंने ये प्रयास किया था कि सैनिटाइजेशन ग्रामीण लेवल पर प्रॉपर तौर पर प्रत्येक हरियाणा प्रदेश के गांव को हमने 3-3 बार सैनिटाइज कराने का काम किया। तो एक स्पेसिफिक जगह
अरे इस प्रकार से कोई कमी रही, मैं चाहूंगा कि आप लिखित कर तो मेरे को दो कि डिप्टी कमिश्नर से उसकी भी इंक्वायरी कराएंगे। वहां पर फंड्स है, नोडल ऑफिसर्स है, यहां से भी हमने सीनियर आईएएस ऑफिसर्स को आम ऑर्डर बनाकर भेजा। मुझे लगता है कि अगर केवल बात ये बात कहें कि प्रॉपर खाने की व्यवस्था नहीं मिली, उसके अंदर या तो कम्युनिकेशन गैप रहा है या फिर अगर वहां पर एफिशिएंट अधिकारी मिला तो उसको जो एक्शन हम ले सकते हैं उसके खिलाफ। जो एक एक करोड़ की आप बात कह रहे हैं जो हम डिप्टी कमिश्नर को दिया गया था, उनमें से खर्च कितना हुआ अभी तक, क्या नहीं इसके कोई आंकड़े हैं? बिल्कुल, तीन डिप्टी कमिश्नर की हमारे पास रिक्वेस्ट आई है कि हमें एडिशनल फंड्स की जरूरत है, जिसमें तीनों बड़े शहर है फरीदाबाद, गुड़गांव और पानीपत। उसके सिवाय बहुत कम जिले हैं जहां राशन पे और खाने पे ये पैसा यूटिलाइज हुआ है। सामाजिक संगठनों ने बढ़ चढ़कर इसमें सहयोग दिया है। अधिकतम जो यूटिलाइजेशन पैसे की हुई है लगभग 70% यूटिलाइज हुआ है। वो पैसा चाहे डिप्टी कमिश्नर ने पीपीई किट्स अपने लेवल पर प्रोक्योर करके अपने हॉस्पिटल में प्रोवाइड कर, चाहे कोविड की किट्स उन्हें प्रोक्योर कर, एसेंशियली सेफ गार्डिंग के लिए जो आइटम्स थे या जागरूकता के लिए उसको इस्तेमाल करने का कार्य। ये तो पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला जी का बयान आया है कल की हरियाणा में सरकार लौट की चीज हो रही है और लोगों को लूटा जा रहा है लगातार टैक्स और ये सब। हरियाणा में सरकार लौट की चीज ना होती तो क्या हम 70% रिकवरी रेट अचीव कर पाते? क्या 3 तक ही अपने डेथ टोल पर रोक पाते? क्या प्रदेश के अंदर आम जन के इस्तेमाल में आने वाली चीजों को इन्फ्लेट होने से कंट्रोल कर पाते? आज आप व्यवस्था देखो कि हम 5 यूनियन टेरिटरी और स्टेट से घिरे हैं, उसके बावजूद भी प्रदेश को सेफगार्ड करना सरकार का कार्य है। मुझे लगता है बेहतरीन तरीके से हमारी सरकार ने हरियाणा प्रदेश को इस महामारी से बचाया। और ये चीज तो उनके मुझे भी सबके आपने विपक्ष के लोगों को सुनी होगी कि हरियाणा सरकार ने कार्य बहुत अच्छा किया, सबकी सुनकर निर्णय ली है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अगर नॉर्थ इंडिया में ऐसा कोई राज्य होगा जो कोरोना की महामारी से अपने प्रदेश की जनता को बचाएगा, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हरियाणा प्रदेश की सरकार हरियाणा के एक एक नागरिक को दूसरे प्रदेशों से भी लाने का काम करेगी, विदेशों से भी लाने का काम करेगी और यहां बैठे एक एक नागरिक को भी कोरोना से बचाने का काम करेगी। लगभग 3,000 के आसपास, चाहे वो कोटा से हो, जैसलमेर से हो, हमने हमारे नागरिकों को वापस लाने का काम किया। निरंतर आपके माध्यम से भी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी हरियाणा में फंसे हुए लोगों को अलग अलग प्रदेशों में हमने राशन प्रोवाइड किया। मुझे बरसों का एक वाक्य याद है जब दो हमारे दादरी के बच्चे जो चेन्नई के पास एक गांव में फंसे गए, उनका एक वीडियो आया कि हम भूखे मर रहे हैं, हमारे पास व्यवस्था नहीं है, हमें मरना पड़ेगा। 1.5 घंटे के अंदर तो उनको राशन पहुंचवाया। और आपको ये हम बता देता हूं कि 2 दिन के अंदर उनको दादरी भी पहुंचाने का हम काम करें। हमारा प्रयास है कि कोई भी हमारा ऐसा नागरिक कहीं भी स्टैंडर्ड है उसको एटलीस्ट एसेंशियल हेल्प हम बनाए। और मुझे लगता है सरकार नाम की चीज है जो तमाम चीजें उपलब्ध कराने का काम कर रही है। आज मैं तो चाहूंगा विपक्ष में बैठे लोग भी इस तरह के प्रयास करें, जहां कांग्रेस के शासित प्रदेश है कांग्रेस ही प्रयास करे, या और किसी पार्टी के शासित प्रदेश है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी वहां बैठी इकाइयों से कोऑर्डिनेट करकर जो हरियाणा के मूल निवासी वहां पर कार्य करने गया था, बहुत से ऐसे लोग मुंबई गए हुए थे पढ़ने के लिए, तो 40 दिनों से स्टूडेंट बिल्डिंग में बैठे, हमारे तो प्रयास है उनके टेस्ट कराकर उनको क्वारंटाइन के अंदर अपने घर में हम लाकर रखने का काम करें कि हमारा कोई भी नागरिक किसी और जगह पर स्टैंडर्ड ना रहे। कोरोना की लड़ाई अब 14 दिन और चलनी, कितने दिन रेगुलर जीवन में चलेगी इसका तो भविष्य ही बताएगा। मगर यह विश्वास है कि हरियाणा
सरकार का बकायदा कॉल सेंटर एस्टेब्लिश किया गया है। मैं आपके सामने, आप कह रहे हैं कि कितने लोग हैं, मैं आंकड़े शेयर कर दूं कि पिछले दिनों जब मैं आपसे मिला था तो हमारे पास 5,500 कॉल जा रही थी। कल का डाटा है कि हमारे पास 9,618 कॉल जाएगी और पहले की तरह डिस्ट्रेस कॉल नहीं है, राशन की उपलब्धता के लिए कॉल नहीं है। अधिकतम वो लोग कॉल कर रहे हैं जो दूसरे राज्यों में कहीं ना कहीं रुके हैं। कल एक डॉक्टर का मेरे पास समाचार आया, वो इंदौर में, इंदौर आज कंटेनमेंट जोन का हिस्सा है। हम ये नहीं कह सकते कि कंटेनमेंट जोन से हम लोग लेके आए, जो गलती पंजाब ने कही कि महाराष्ट्र से बसे भर भरकर लोगों को गांव में जाकर छोड़ दिया, तो पंजाब इस कोरोना की लड़ाई में शायद सबसे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। एक मूवमेंट की वजह से आज वो सबसे वीक प्रदेश हो गया है। एकदम प्लस पॉइंट ये है कि हिंदुस्तान की राजनीति में वहां पर राजनीति जो डिफरेंट है उसकी वजह से बता रहा है। हरियाणा सरकार का जो हेल्पलाइन नंबर है जिसको हमारी प्रत्येक वेबसाइट पर भी पब्लिश किया है, वहां पर कॉल कर अपने आप को रजिस्टर करवा दें। जैसे जैसे मूवमेंट पासेस बनेंगे, हम तमाम लोगों को, अगर उनके व्हीकल है तो मूवमेंट पासेस, ये तो हरियाणा सरकार की ओर से स्पेशल फेरीज इशू करवा कर उनको लाने का। हरियाणा में है, दूसरे राज्यों से आए हुए हैं, मजदूर हैं या फंसे हैं, उनके लिए हमारी ओर से नोडल अफसर एडीजी सीआईडी को बनाया गया है। स्पेशल ट्रेन की भी हम व्यवस्था कर रहे हैं, लगभग 800 से 800 हमारे पास ऐसे लेबरर्स हैं जो लेबर शेल्टर कैंप्स में आ चुके हैं, जो उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल के हैं। एक स्पेशल फेरी ट्रेन के माध्यम से ऊपर जाएगी ट्रेन की, उसके ऊपर आपको अपने 24 घंटे में। सर कई जगह बरसात की और तूफान की शिकायत भी है, खुले में पड़ा हुआ जो गेहूं था वो भीग गया है, इस तरीके की चीजें सामने आ रही है, उसको लेकर के सरकार कहते हैं। इसलिए हमने प्रयास किया कि अधिकतम जगह टेम्पररी नंबर बिछवाने का काम करें जिससे हमारे स्टॉक अनाज को हम कवर कर दें। फार्मर तक भी तिरपाल की मात्रा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर परमिटेड हमने डिस्ट्रीब्यूट करा है, बिल्कुल, क्योंकि एक लार्ज स्केल प्रोक्योरमेंट है। जहां आज अनाज गीले होने की हमारे पास समस्या आई है, वहां पर हम एक दिन प्रोक्योरमेंट को डिले करके उन तमाम डेहरियों को सुखाने का काम करेंगे जिससे लिफ्टिंग प्रॉपर हो जाए और एफसीआई भी किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन उन फसलों पर ना। एक आरटीओ का विरोध कुछ आया सर सामने, जीएसटी को लेकर कुछ कई जगह पर बताया है। जीएसटी की कोई भी व्यवस्था एमएसपी प्रोक्योरमेंट पर नहीं होती, तो आपको स्पष्ट तौर पर बता रहा हूँ जीएसटी एमएसपी पर प्रोक्योरमेंट पर नहीं लगता। 2.5% उनकी आयत है और आपको मैं एग्जैक्ट, अगर आप चाहेंगे डाटा जरूर उपलब्ध करा सकता हूँ कि कितने आई फॉरम बीट के कट गए और आई फॉरम कटते ही 2.5% उनकी आयत जो होती है, लगभग आई फॉर्म ये कटे है 2,31,000 फार्मर्स के हमने काट दिए, इस हिसाब से जो 2.5% उनकी आदत मिलेगी उनको हम प्राप्त। सर एक खाते में आपकी बात के विशेष का ये मानना है कि किसानों को जो इंसेंटिव केंद्र की तरफ से दिया जाना था उसकी कोई उम्मीद नहीं है सर। हरियाणा का केंद्र सरकार का पत्र स्पष्ट आ गया, देयर विल बी नो बोनस प्रोवाइडेड ऑन प्रोक्योरमेंट इन 2020। अच्छा, ये जो किसानों से अपील की थी आप लोगों ने कि 1 से लेकर 5% जो है अनुदान दें, कितना ऐसा कोई आंकड़ा है कि मेरी फसल, मेरा मेरा पर पूरा आंकड़ा कितने फार्मर्स ने दिया है वो आपको। सर कोरोना को लेकर के केंद्र से कोई मदद या फिर जो जीएसटी को लेकर के भी एक सवाल आ रहा है कि जीएसटी जो केंद्र ने केंद्र को पत्र भेजा है कि जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल की हमारा जीएसटी का लगभग 2,019 करोड़ रुपया 6% का बनता है, उसको जल्द रिलीज कराया गया कि प्रदेश सुचारू कर सकते। दुष्यंत जी, अभी आपने कहा एक सवाल तो लास्ट है। हाँ जी, मजदूर फंसे हुए मजदूरों के लिए आप ट्रेन चलवा रहे हैं तो उसका भाड़ा हरियाणा सरकार देगी,
या वो मौजूद है। अगर हम चल रहे हैं तो अभी क्योंकि बिहार ने इसके लिए मना कर दिया कि हम कोई बड़ा हरियाणा और बिहार में कुछ फर्क हो। थैंक यू। ये बताओ पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस।